Okay, Pinky, so now we are going to start your snap interview of digital electronics. एक सेकंड सर, आपने ये बोर्ड लगाया हुआ है पीछे क्या बैकग्राउंड में? व्हाइट बोर्ड है आपके पास? यस सर, वो हाँ सर बोर्ड है। बेटर है कि आप वहीं पे खड़े हो जाएं बोर्ड के पास में। सर आपको बोर्ड विजिबल है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है, ओके पिंकी, सो सबसे पहले आप मुझे डिकोडर के कंसेप्ट बता दीजिए। डिकोडर क्या होता है, कैसे डिकोडर को हम डिजिटल में यूज करते हैं, उसके बारे में बताइए। सर डिकोडर में मेनली हम लोग एन इनपुट्स को देते हैं और टू टू पावर एन आउटपुट्स जनरेट करते हैं। उसमें सिलेक्ट लाइंस होती हैं, एक इनेबल साइन होती है जो ऑलवेज हाई रहता है, और सर हम उसका यूज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ट्रांसमीटर रिसीवर एंड पे हम लोग यूज करते हैं। कोई भी सिग्नल को जब हम ट्रांसमिट करके हमारा उसको ट्रांसमीटर एंड पर हम किसी सिग्नल को इनकोड करते हैं, जब वो ट्रांसमीटर रिसीवर एंड पे पहुंचता है तो उस सिग्नल को डिकोड करने के लिए हम लोग वहां पे डिकोडर का यूज करते हैं। टू इनपुट का एक डिकोडर बना के दिखाओ, यहाँ पे टू इनपुट हो जिसमें ऐसा डिकोडर कोई लो और उसकी आउटपुट एक्सप्रेशन सारा कुछ बताओ और लॉजिक गेट की हेल्प से उसको डिजाइन करके दिखाओ। ओके, ये जो आपने आउटपुट ली है ये एक्टिव हाई आउटपुट है कि एक्टिव लो आउटपुट है? सर एक्टिव हाई आउटपुट है, जैसे हम इनेबल को ऑलवेज 1 देते हैं तब हमारा आउटपुट। नहीं नहीं, आउटपुट जो है वो एक्टिव हाई का मतलब क्या है ये बताइए। एक्टिव हाई आउटपुट है इसमें, उसका क्या मीनिंग है ये बताइए। सर एक्टिव हाई मतलब होता है कि जो हमारा जो वोल्टेज है उस जो हाई वोल्टेज है तो उसके रेस्पेक्ट में हमारा आउटपुट जो आ रहा है 1 आ रहा है। एक्टिव लो मतलब 0 के केस में जब हम लोग हाई जो हमारा वोल्टेज है वो हाई है तो हम उसको एक्टिव लो। ओके, अगर मुझे यहाँ पे एक्टिव लो आउटपुट वाला डिकोडर डिजाइन करना है, टू इनपुट का एक्टिव लो आउटपुट वाला डिकोडर, तब मैं क्या करूंगा? तो जो हमारा ई है वहां पे एक ई पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा सर। बना के दिखाओ अलग से, डिकोडर विद एक्टिव लो आउटपुट बनाओ अलग से, इसको बना रहने दो और डिकोडर विद एक्टिव लो आउटपुट डिजाइन करो। ऑल केस में आउटपुट से 0 आ जाएगा। Okay. हम लोग यहाँ पे 0 दे रहे हैं, एक्टिव लो दे रहे हैं, तो सर हमारा आउटपुट लो है।
ठीक है। अच्छा ये बताओ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है? सर मैग्नीट्यूड कंपैरेटर होता है जिसमें हम लोग सर जो भी हम दो इनपुट्स देते हैं जैसे ए और बी हमारा दो इनपुट्स है उसको कंपेयर करके हम लोग आउटपुट पे डिसाइड करते हैं कि हमारा जो जो इनपुट्स है वो ग्रेटर है या इक्वल है या लेस है। ओके आप मुझे एक वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बना के दिखाओ मल्टीप्लेक्सर आईसी की हेल्प से। आपको मल्टीप्लेक्सर की आईसी यूज करनी है, ठीक है? एक मल्टीप्लेक्सर यूज करना है मतलब, ठीक है, सिंगल मल्टीप्लेक्सर, और उससे आपको सिंगल बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिजाइन करके दिखाना है यहाँ। इसको रहने दो, बना हुआ भी यहीं पे बीच राइट साइड में यूज कर लो स्पेस जो है। सर वन बिट के मल्टीप्लेक्सर लेना है क्या? तो इस वन मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से मल्टीप्लेक्सर यूज कर लो, एक मल्टीप्लेक्सर यूज करना है। नंबर ऑफ इनपुट आप अपने आप डिसाइड करोगे। मुझे चाहिए वन बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो दो बाइनरी बिट को कंपेयर कर दे सर्किट, वो आप डिजाइन करो मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। मल्टीप्लेक्सर आप एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हो। मल्टीप्लेक्सर ये हेल्प सर कंपैरेटर वैसे मैं ऑपरेशन बता सकती हूँ आपने सुनो डी टू ए कन्वर्टर पढ़ा है कभी? ये सर तो डी टू ए कन्वर्टर में वी रेफरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है ये बताइए। रेफरेंस सर वी रेफरेंस जो हमारा एनालॉग वोल्टेज होता है तो उसको हम लोग वी रेफरेंस के रूप में लेते हैं। जैसे हमारा जैसे हम कोई साइनसॉइडल वेवफॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा पीक वोल्टेज है तो हमारा वी रेफरेंस हम लोग इसको लेते हैं। डी टू ए कन्वर्टर में वी रेफरेंस ये होता है। ओके अच्छा एक नंबर है प्लस 35, एक डेसिमल इंटीजर है, ठीक है? इसका फाइंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है टूस कंप्लीमेंट मेथड से। तो क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा ये बताइए। प्लस 35 है, प्लस 35, हाँ, इसका फाइंड बाइनरी टूस कंप्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। TTL की फुल फॉर्म क्या होती है?
ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक और डीटीएल डीटीएल डायरेक्ट ट्रांजिस्टर लॉजिक ओके। अच्छा एक ये बताइए जेके फ्लिप फ्लॉप सुना है आपने? यस सर। उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के दिखाओ जेके फ्लिप फ्लॉप की, ऊपर लिख दो साइड में सबसे ऊपर टॉप पे जगह है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। याद याद नहीं है आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन? सर जे बार क्यू प्लस के क्यू बार, जे बार क्यू प्लस के क्यू बार, हाँ जे बार क्यू प्लस के क्यू बार। ओके ठीक है पिंकी, इंटरव्यूज ओवर। पढ़ा हुआ कम है क्या, अभी रिवीजन नहीं करा है क्या? अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इतनी बढ़िया नौकरी मिलने वाली है, थोड़ा मेहनत से पढ़ लो एक बार सारा। अभी तो तुमने कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया मुझे कि जिसमें इंटरव्यूअर अगर कुछ पूछ ले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस कराऊंगी आंसर है क्या? बस तुमने TTL का तो सही बता दिया फुल फॉर्म, उसके अलावा तो काफी गलतियां हैं, कुछ ठीक भी हैं। सबसे पहले जे के फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत है आपकी, चेक कर लेना ठीक है। और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब लिख रहे हो तो पहले ये तो बताओ ना नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू, टीचर हो आप ना प्रॉपर तरीके से लिखना होता है क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू जे क्यू एन बार, जे के साथ क्यू एन बार आएगा ना और प्लस के बार क्यू एन, तो सारी करेक्टर की इक्वेशन याद करो ठीक है। ट्रुथ टेबल पीएसएनएस टेबल एप्लीकेशन टेबल का आइडिया लो सबका। उसके बाद आपने जो रिप्रेजेंटेशन करा है ये भी गलत किया हुआ है, प्लस 35 का रिप्रेजेंटेशन है तो पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट क्या आएगी उसमें? ये गलत किया। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर से तुम, मैंने कहा एक बात बताओ मल्टीप्लेक्सर बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर देता है? यस सर। और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में तीन आउटपुट आती हैं? यस सर तीन आउटपुट आते हैं। तो तीनों आउटपुट को तुम तीन मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट कर लो। ओके सर। सभी मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट इनपुट सेम रखो ए बी। यस सर। तीनों में ए बी कनेक्ट कर दो तीनों सेलेक्ट इनपुट पे तीनों की, और तीन मल्टीप्लेक्सर ले लो और तीनों से आउटपुट जो चाहिए वो वाली निकाल के उनको यूज कर लो, क्या दिक्कत है? लॉजिक गेट की जगह मल्टीप्लेक्सर यूज नहीं कर सकते क्या हम? डिकोडर की डेफिनेशन तो तुम्हारी ठीक है लेकिन उसके बाद तुम्हें एक्टिव हाई आउटपुट का मीनिंग नहीं पता। एक्टिव हाई आउटपुट का मतलब यहाँ पे होता है कि जिस जो कोड आएगा इनपुट पे उस कोड से जो एसोसिएटेड आउटपुट है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट कैसे होगी? एक हाई लेवल से जो आउटपुट एक्टिवेट हो रही है जिसका कोड आया है जिसको डिकोड किया गया है वो वाली आउटपुट एक हाई लेवल से इंडिकेट होती है और बाकी सारी लो रहेंगी। तो ये एक्टिव हाई आउटपुट वाला केस है, और अगर एक्टिव लो आउटपुट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है जिसका कोड है वो लो बाकी सब हाई, और उसमें फिर यहां पे सब में इन्वर्टर नहीं लगेंगे बबल नहीं लगेंगे एक्टिव लो वाले में, NAND गेट से बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो सारी आउटपुट तुमने? यस सर।
तो रिवीजन करो सारा एक बार वापस, ठीक है? ठीक है, जो भी टॉपिक है डिजिटल में सबको रिवाइज करो। वी रेफरेंस भी नहीं बताया तुमने, वी रेफरेंस के बारे में पढ़ो थोड़ा, क्या होता है डी टू ए कन्वर्टर में। सर जो स्टेप साइज डिसाइड करते हैं वही हमारा वी रेफरेंस। वी रेफरेंस एक वोल्टेज यूज करते हैं जो डिसाइड करता है डैक का स्टेप साइज, स्टेप साइज डिसाइड, ठीक है? और वो रेंज भी डिसाइड करता है कि ये डैक कहां तक, किस एनालॉग आउटपुट तक मेजर कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है, किस रेंज में हमें कन्वर्जन बनाने हैं वो डिसाइड करता है, ठीक है? पढ़ो इसको, चलो ओके। सर बाकी और सब चीज सर, मतलब मेरा फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह इसके बारे में सब कुछ बता दीजिए। उसमें थोड़ा जब कंटेंट अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस आना चाहिए थोड़ा सा उसको बताने में। अब देखो गलत बताओगे तो उसका भी फायदा नहीं है ना, तो एक तो बेसिक चीजों की नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। मान लिया बहुत अच्छा एक्सप्रेशन भी है लेकिन आप आंसर गलत बता रहे हो सिंपल सिंपल से, तो वो भी सही नहीं जाएगा। तो आपको दोनों चीजें रखनी है, आंसर आपके करेक्ट हो, एटलीस्ट करेक्ट ना हो तो 90% तो करेक्ट हो ना, बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में तो ना जाए ना, और साथ में फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई दिखना चाहिए, ठीक है? तो फिर और एक्सप्लेनेशन मोड, मतलब जब वहां पे मौका मिले ऐसा तो हर चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करो, ताकि उनको इम्प्रेशन जाए कि भाई यहाँ टीचिंग वाली क्वालिटी है इसमें, ये अच्छा टीचर बन सकती है। ओके ओके ठीक है।